फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन करी। तो हमने लिया है 800 ग्राम मटन और हम कुछ प्याज, अदरक और लहसुन लेंगे। तो 5 बड़ा प्याज हमने काटा है, 4 हरी मिर्च, 1 बड़ी गांठ लहसुन और 1.5 इंच करीब अदरक लिया है। प्याज ग्राम में 300 ग्राम के लगभग होगा। और अब लेंगे कुछ सूखे मसाले। तो 2 बड़ी चम्मच धनिया, 1.5 बड़ी चम्मच जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 तेज पत्ता लिया है और 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो अब सभी चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे, सारे मसाले, 1 छोटी चम्मच दही और तेल, प्याज, जितना भी हमने काट के रखा था वो सब मिलाएंगे और आधी छोटी चम्मच हींग भी डालेंगे। हींग पचाने में बहुत मदद करता है, इसलिए हींग जरूर डालें, टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और हमने 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, जितना आप जैसा खाते हो वैसा डालें। और हाथ से मिला के इसको ढककर आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। और अभी आधा घंटा हो चुका है, अभी हम डालेंगे, एक कढ़ाई लेंगे जो चढ़ा दिया है, जिसमें 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है और अदरक लहसुन हरी मिर्च सभी को दरदरा कूट लिया है। और 2 से 3 सेकंड के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे और फिर सारे मटन को हम इसमें डाल देंगे। अभी हम फ्लेम को हाई रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक चलाकर भून लेंगे और फिर ढककर आधे घंटे के लिए पकाएंगे। और इस तरह से ढककर आधे घंटे के लिए पकने देंगे और बीच बीच में फिर हम चलाते भी रहेंगे। और ये देखिए, आधे घंटे के बाद हमारी मटन 40% पक चुकी है। तो दोस्तों, इस मटन को पकने में कम से कम 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। तो आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए, अभी हमारे मटन का तेल ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पे हमने आलू डाल दिया है। आपको आलू ना पसंद हो तो आप ना डालें, मेरे घर में मटन के आलू सभी को बहुत पसंद है, मैं इसीलिए डालती हूँ। और अभी फिर ढककर फिर आधा घंटे के लिए पकाएंगे। और ये देखिए, आधा घंटा के बाद हमारी मटन कुछ इस तरह से बन गई है, जो कि 80% तक पक चुकी है। और अब इसमें हम ग्रेवी डालेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने पानी गरम चढ़ा दिया है दूसरी तरफ। ग्रेवी में हमेशा पानी गरम करके ही डालें। और हमारी मटन पक रही है इस तरह से। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए, हमने ग्रेवी डाल दिया है। आप जितना ग्रेवी रखना चाहें उसी तरह हिसाब से पानी डालें, पानी को गर्म ज़रूर कर लें। कुकर में भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। इस पॉइंट पे आप कुकर की लिड लगा दें और 4 से 5 सीटी में आपका मटन रेडी हो जाएगा। लेकिन हमने आज कढ़ाई में बनाया है तो हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अभी हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। देखिए, हमारी 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। और अभी ढककर आधा घंटा तक हम और पकने देंगे। और आधा घंटा बाद देखिए, हमने इस तरह से हमारी मटन बन चुकी है। और फ्लेम को हमने, गैस के फ्लेम को हमने लो ही रखा था, क्योंकि लो फ्लेम पे आपकी मटन धीरे धीरे अच्छी तरह से पक जाएगी। और ये देखिए, बिल्कुल पक चुकी है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए हमने एक तड़का पैन लिया है, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। इसको थोड़ा सा क्रैकल कर लें। और इसमें 2 चम्मच हम 2 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी से आपके मटन का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। 2 तेज पत्ता डालेंगे। और ये देखिए, हमारा तड़का तैयार है मटन में जाने के लिए।
और हमने डाल दिया है, और इसको ढक देंगे ताकि घी का जो जीरे का जो अरोमा है वो इसके अंदर ही बना रहे। और ये देखिए कितना यम्मी टेस्टी और कलरफुल मटन मेरा रेडी है, और अब इसको हम एक बाउल में सर्व करेंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं, एक बार ट्राई ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।